नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल अपडेट न्यूज़ चैनल में। ज्वाली उपमंडल के अधीन वाहनों की आवाजाही ज्वाली के अंदर बंद करने के विरोध में व्यापार मंडल ज्वाली के अध्यक्ष रविंदर कपिला ने बाजार से संबंधित समस्या का ज्ञापन SDM ज्वाली को सौंपा। रविंदर कपिला ने कहा कि कैरियर चौक से आगे ज्वाली बाजार में वाहनों की आवाजाही बंद करने पर उनका धंधा चौपट हो गया है। रविंदर कपिला सहित दुकानदारों ने कहा कि आराम मैदान ज्वाली व पुराना बस अड्डा ज्वाली को पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें, ज्वाली के दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कैरियर चौक से ज्वाली बाजार की तरफ भी वाहनों को आने दिया जाए। इस बारे में SDM ज्वाली सलीम आजम ने कहा कि कल से ज्वाली के अंदर वाहन जाएंगे, पर सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के बाद लब कहरियाँ ज्वाली को मिलाकर तहसीलदार ज्वाली की अध्यक्षता में एक ही व्यापार मंडल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविवार को समस्त बाजार बंद रहेंगे। प्रतिक्रिया ये है कि हमारे व्यापारी भाइयों ने लाखों रुपए का सामान, करोड़ों का सामान यहाँ डाला हुआ। हमारे से बात हुई थी, हमने सिंह साहब से मीटिंग हुई थी, मेरे साथ मेरे और दो व्यापारी थे। हमारी बात हुई थी कि जो मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ हैं वो आरा ग्राउंड में या हमारा जो बस स्टैंड है यहाँ पर खड़ी होंगी और व्यापार लोग जो हैं वो अंदर इसका सामान लेंगे सुचारू रूप से और वो चले जाएंगे। मंडल में जो दुकानें पहले खुलती थी, दो दिन से बहुत तंगी हो रही है। 6 और 7 तारीख को, 6 तारीख ऊपर का बंद किया इन्होंने, 7 तारीख का इन्होंने कैरियर चौक से बंद किया हुआ। कोई भी गाड़ी जो है नीचे नहीं आ रही। कल मैं भी खुद आया था, मुझे भी यही कहा गया था कि आप वहाँ कर गाड़ी ऊपर लगाओ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मेरी टांग नहीं चलती है, उनके जाइए। हमारे पास गांव जो है, 2 दिन 8 दिन यहाँ पर लोग आते थे, स्कूटर लेकर आते थे, सामान लेकर चले जाते। लेकिन 2 दिन से इस बाजार में कोई भी गांव नहीं आ रहा। आज इन्होंने आने दिया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्रधान ये है ये वो है। इस वक्त कोरोना की महामारी चली हुई है, प्रधान की कोई बात नहीं है, जो है ठीक है। अभी सिर्फ लोगों का कारोबार चलना चाहिए, सभी छोटे छोटे दुकान कर रहे हैं। तो हम बजाजी की दुकान करते हैं, कोई सुनहरे की दुकान करता है, कोई मिनहरी की दुकान करता है। तीन चार घंटे चलना चाहिए। मैं कल हमने कैरियर चौक से ज्वाली को आया था, तो एक तो नीचे कारें नहीं आने दे रहे, क्योंकि यहाँ स्टेट बैंक है, अपना ज्वाली बाजार है, हॉस्पिटल है, अपना KCC बैंक है। किसी ने भी बूढ़े ने, ओल्ड एज जो भी है, 40 साल के ऊपर, 50 साल के ऊपर, जिन्होंने यहाँ आके बैंक में पैसे निकालने हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। वो पैदल नहीं आ सकते। एक स्कूटी पर एक बंदा लाउड किया हुआ है, कार में दो। ये नोटिफिकेशन है हमारे इंडिया की, गवर्नमेंट इंडिया की। और आप देखिए तो बॉय स्कूल के पास रास्ता बंद कर दिया गया है, रविदास मंदिर के पास रास्ता बंद कर दिया गया है, ऊपर रास्ता को ये रेड जोन है। ये किसने ये बंद करवाए? ये SDM साहब के अगर लिखित हमारे पास परमिशन है बंद करने की, तो वो दिखाई जाए लोगों को। और हम जो है वो ज्वाली व्यापार मंडल बंद कर देते हैं, फिर ग्राहक ही नहीं आएगा, तो ज्वाली में दुकानें खोलने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी बंदा 50 किलो सामान लेके कैरियर तक नहीं उठा कर जाएगा। वो अगर चलो, ये हमारे गांधी ग्राउंड बहुत बड़ी कार पार्किंग है, ओल्ड बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है, आजकल बसें नहीं चल रही, तो वो खाली पड़े हुए हैं। वो हमने पार्किंग जोन बना दिया हुआ है। स्पीकर SDM साहब के साथ व्यापार मंडल ज्वाली के प्रधान भी थे, हम भी थे, और लव कैनिया के प्रधान भी थे। उसमें ये डिसाइड किया गया था आरा ग्राउंड ज्वाली की जो भी पार्किंग होगी, आरा ग्राउंड, ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड और कहीं नहीं होगी। और जो बाकी जगह ब्लॉकेज की गई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। सर, एक तो गाड़ियाँ जो हैं नीचे आना चाहिए, मोटरसाइकिल, कारें या कोई भी गाड़ियाँ जो व्हीकल नहीं कैरियों में रोक रहे हैं, या हरजन मल्ले में, हरजन मल्ले से आगे जो रेलवे क्रॉसिंग पुल है उधर भी डंडे लगा दिए हैं। बाकी जो नगर की जो स्कूल के गर्ल्स स्कूल के पास भी उधर डंडे लगा दिए हैं, पूरे बॉय स्कूल के पास डंडे लगा दिए हैं। सभी जगह प्रशासन ने पता नहीं क्या क्या किए, रविदास मंदिर के पास उधर भी डंडे लगाए हुए हैं। बाकी है कि ज्वाली में आने जाने की बड़ी सुविधा कम है, यहाँ पर 2 बैंक हैं, हॉस्पिटल है, इधर कोई भी किसी को आने की वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बाकी है कि जो प्रधान के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, जो कपड़ा जी पहले भी चुने हुए थे, बाकी है कि जो अभी बन रहे हैं नए नए, इनको कोई पता नहीं है। इनकी दुकान जो है कैरियर में है,
क्योंकि ऐसे ही अपनी मर्जी से प्रधान बन रहे हैं, कोई डाउन हो रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई किसी को व्यापार को पता नहीं है। जो भी जा रहा है वो अपनी मर्जी से दो दो तीन तीन आदमी चले जा रहे हैं और जाके अपने एसडीएम साहब के पास मीटिंग कर रहे हैं। कोई व्यापार मंडल को किसी को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो हमारा बिजनेस है वो नाकों की वजह से ठप पड़ा है, तो एसडीएम साहब ने बोला था कि वो जो नाका है वो अपने पार्किंग हम बस स्टैंड में कर देंगे, आरा पे कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने वहाँ पे नाके लगा दिए, जिसके कारण व्यापारी भाई जो हैं वो परेशान है और कोई भी ग्राहक वगैरह ज़्यादा बाजार में नहीं आ रहा है। इससे तो ठीक है, अभी दुकानें बंद थी, कोई हिसाब लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा कि बाज़ार खुले हैं। तो एसडीएम साहब से गुजारिश है कि उन नाकों को हटाया जाए, तभी व्यापार चलेगा, मार्केट बाजार में नहीं तो नहीं चलेगा ना। नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत संभालने तो शुरू होती है और तां पुल तो शुरू होती है, तो तीसरा रोकना तिथू तो रोका ना। ये ज्वाली बाजार रोकने तो कोई तुक कोई है नहीं, लब बाजार है, कैरियां बाजार है, तेना वास्ते तो कोई प्रतिबंध नहीं, सिर्फ ज्वाली बाजार के वास्ते। प्रधान साढ़े आए ना, कपला और आए ना, प्रधान तो सही ना, इलेक्शन तो कुछ होते नहीं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन च ना कहीं इलेक्शन कर लिया। एसडीएम साहब की नहीं पता लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन तो इलेक्शन हो नहीं सकता, प्रधान साढ़े कपला और आए ना, एक ही प्रधान बनी अपनी चीजें जो एक अपनी दुकान ही कह रही है मेन इतू की मतलब प्रधान की चेंज हो। कह रही है चौक पे नाका लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कोई ना रोके, बाजार में रोकने की जरूरत, बाजार खोलने के लिए हमने फिर जब रोक ही लगा देने तो फिर पूरा बंद ही कर दो, फिर जिसमें रोकने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ग्राहक ही नहीं आ रहा कोई भी, तो करना क्या यहाँ पे आकर? क्या जी टैक्स देते हैं? हाँ टैक्स देना, सब कुछ कर रहे हैं,